महर्षि वेद व्यास प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मुझे मौका मिला। भारत की पहचान हमारे संत हैं। भारत एक आध्यात्मिक देश है जहां शुरू से ही स्वयं को खोजने की परंपरा रही है, आत्मलोकन की परंपरा रही है, और आज इसी परंपरा को पूरे देश में, पूरे विश्व में आगे बढ़ाने वाले हमारे संत यहाँ विराजमान हैं। मैं उन सभी संतों को नमन करता हूँ। आज बड़ा सौभाग्य का दिन भी है कि पानीपत की ऐतिहासिक नगरी में श्री कृष्ण वेद विद्यालय का नए भवन का शुभारंभ हो रहा है, और उसी के साथ ज्ञानेश्वर मंदिर जी का भी लोकार्पण का समय मिला है। पानीपत नगरी, स्वामी रामदेव जी ने सही कहा कि ऐतिहासिक धरती है। अब आने वाले समय के अंदर वेद ज्ञान के अंदर ये ऐतिहासिक धरती होगी, क्योंकि ये आध्यात्मिक धरती भी है। जहां पर आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, और पास में ही कुरुक्षेत्र है जहां पर महाभारत की गाथा लिखी गई थी, और उसी कुरुक्षेत्र में हमारे गीता मनीषी गीता ज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर एक गीता दर्शन दे रहे हैं जो व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं। मैं कोई शब्द नहीं है जिन शब्दों के आधार पर कहूं कि भारत के अंदर वेद को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए जिनका वर्तमान में प्रयास हो रहा है, स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज जी को मैं सशत प्रणाम करता हूं, जिनके माध्यम से पूरे देश के अंदर 30 वेद विद्यालय चल रहे हैं। स्वामी रामदेव जी की अब इच्छा है कि आने वाले समय में एक वेद विद्यालय बने जहां दुनिया के लोग देखने आए कि किस तरीके से वेदों के माध्यम से समाज जीवन में आज भी ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से जीवन को परिवर्तन किया जा सकता है। ये पूरा क्षेत्र अपने आप में आध्यात्मिक तो है सही, इसके साथ साथ इस सारे क्षेत्र के अंदर जब से वेद विद्यालय बना है, पिछले 7 वर्षों के अंदर इस वेद विद्यालय के माध्यम से यहां के जनमानस में व्यापक परिवर्तन हुआ है, और आज इसी वेद विद्यालय के नए भवन की शुभारंभ हो रहा है, जो निश्चित रूप से विद्यालयों के बच्चों को एक नई संस्कारी शिक्षा देगा और नई पहल देगा। और इसके लिए जिन लोगों ने भी सहयोग किया है उनको भी मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। वैदिक शिक्षा हमारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन के साथ साथ व्यावहारिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है। वेद वह दिव्य शब्द है जो किसी के बनाए नहीं है, किसी के लिखे नहीं है, जो सृष्टि के आरंभ से ही हमारे ऋषियों को प्राप्त हुए। हमारे वेद
ज्ञान विज्ञान के वह अक्षय भंडार हैं जो आज भी केवल हमारा नहीं पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करते हैं। हमारे चारों वेद काल से आध्यात्मिक वैचारिक और सांस्कृतिक मार्गदर्शन आज हमें मिलता है। ये बात सही है कि चारों वेदों का अध्ययन करना इस वर्तमान समस्या में कठिन है, लेकिन गोविंद गुरु जी महाराज, योग ऋषि रामदेव जी, ज्ञानानंद जी महाराज जैसे हजारों ऋषियों संतों ने एक बीड़ा उठाया है कि हम वेद शिक्षा को, वेद ज्ञान को आज की नौजवान पीढ़ी में पहुंचाने का काम करें। और यही कारण है कि हम वेद को अगर संक्षिप्त में भी अगर जीवन में ग्रहण कर लें तो व्यक्ति के जीवन को हम बदल सकते हैं। ऋग्वेद जो सृष्टि की रचना एवं मनुष्य की उत्पत्ति के पंच महाभूतों के कारण के बारे में बताता है, एक लाइन के अंदर आपको जीवन का दर्शन वेद से मिल जाता है। सामवेद संगीत और विज्ञान का वर्णन है जिसमें बताया गया है कि संगीत एवं ध्वनि हमारे शरीर पर किस प्रकार से कितना प्रभाव डालती हैं। यजुर्वेद इस बात का वर्णन है कि इस देश को सुरक्षित, शक्तिशाली और समर्थ बनाया जाए और हमेशा जो हमारे पे आक्रमण हुए हैं उन आक्रमण से सुरक्षा करने के लिए इसको तैयार रखें। अथर्ववेद जो आज स्वामी रामदेव जी पूरे देश में ने पूरे विश्व में फैला रहे हैं, दुनिया के जिस कोने में जाता हूं योग और आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और लोग मानने लगे हैं हमारे शरीर को अगर स्वस्थ रखना है, रोग से मुक्ति रखना है तो योग और आयुर्वेद हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं और अथर्ववेद इसी दिशा के अंदर वर्णन करता है। ये वेद हमारे देश के मूल ग्रंथ है जिन्होंने वेद व्यास जी ने विस्तार से हमारे सामने प्रस्तुत किया। वेदवाणी को पूरा समझने के लिए संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, विद्वता होनी चाहिए, सुचिता होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। जिसके जीवन में ये गुण होंगे वो वेद विज्ञान को आत्मसात करेगा। एक लंबे समय तक भारत में विदेशी आक्रमणता रही, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। एक लंबे कालखंड तक हमारी संस्कृति को नष्ट करने के प्रयास के बाद भी हमारी संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाए। इसके पीछे हमारे ऋषि मुनियों का त्याग था जिन्होंने हमारी संस्कृति को जीवंत रखा। नहीं तो पहले मुगल शासकों का राज, उसके बाद अंग्रेजों का राज, कितने कालखंड तक हमारी संस्कृति हमारे मंदिरों को नष्ट करने में लगे रहे, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों का त्याग और तपस्या ही है कि आज भी हमारे देश में चाहे वेद हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान और संस्कृति हो, उसको जीवंत रखने के लिए हमारे ऋषि मुनि त्याग कर रहे हैं। आज मुझे ज्ञानेश्वर मंदिर जी पर भगवान ज्ञानेश्वर जी के दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला। संत ज्ञानेश्वर जी के बारे में जितना पढ़े उतना कम है, लेकिन कल मेरी पत्नी जब ज्ञानेश्वर जी के बारे में बता रही थी तो मुझे लगा कि अद्भुत थे ज्ञानेश्वर महाराज जी। ज्ञानेश्वर भगवान में अद्भुतता थी, कितनी भी मुश्किल हो, परेशानियां हो, कठिनाइयां हो, कुछ भी हो, लेकिन
उन्होंने प्रभु के मार्ग पर चलकर सारी मुश्किलों और कठिनाइयों को प्राप्त किया। संत ज्ञानेश्वर महाराज केवल 15 वर्ष की आयु में अपने योग बल पर, तपोबल पर, ज्ञान बल पर, आत्मबल पर इतने ओतप्रोत थे कि उस समय उन्होंने जड़ चेतन को भी प्राप्त करने का काम किया था। एक प्रचलित कथा है जो निश्चित रूप से बताना चाहूंगा कि चांददेव जी जो आयु में बहुत अधिक थे, प्रतिष्ठा भी बहुत थी, एक बार सिंह पे सवार होकर और सर्प को वश में कर वो एक बार ज्ञानेश्वर जी महाराज से मिलने आए। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने उस निर्जीव चबूतरे को कहा कि चल चबूतरे, तो महाराज जी ने कहा चांददेव जी ने कि मैंने संत तो देखे हैं पर ऐसे संत नहीं देखे जो निर्जीव को भी जीवित कर दे। ऐसे हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज जी का मंदिर यहाँ पर बनाया है। आप लोग बहुत धन्य के पात्र हो कि आज हमें आपके मौके से, आपके कारण संत ज्ञानेश्वर जी भगवान के दर्शन करने का मौका मिला। और इतनी कम उम्र में, 21 वर्ष और 4 महीने की उम्र में उन्होंने समाधि प्राप्त कर ली, जिनका ज्ञान आज भी देश दुनिया में हमें आलोकित करता है, हमें मार्ग प्रदर्शित करता है। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा कि महाराज जी ने देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर वेद विद्यालयों की स्थापना की है। आने वाले समय के अंदर उनका लक्ष्य है कि देश के हर जिले के अंदर वेद विद्यालय, और वेद विद्यालय तो महाराज जी बना देंगे लेकिन वेद का शिक्षण करने के लिए भी लोगों को प्रेरित करने का काम करेंगे। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम इस वर्तमान समाज के अंदर होगा जो गोविंद गुरु जी महाराज जी के कर कमलों के माध्यम से होगा। क्योंकि हमारे कई संतों ने वेदों को दुनिया में पहुंचाने का काम किया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, विवेकानंद जी ने सरल तरीके से दुनिया के अंदर वेदों को जन जन पहुंचाने का काम किया। अब इन वेदों को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता, समाज के हर जीवन के अंदर भारतीय संस्कृति और सभ्यता को मानने वाला हर व्यक्ति वेद के ज्ञान का संक्षिप्त अध्ययन करे और आत्मसात करे तो उसका जीवन दर्शन अपना आप ही उचित दिशा की ओर बन जाएगा। मुझे आशा है कि आने वाली पीढ़ी को हम इस दिशा की ओर ले जाएंगे कि दुनिया के अंदर हम जब देखते हैं, एक समय था जब भौतिक युग था, भौतिक युग की तरह दुनिया चली थी लेकिन आज फिर आध्यात्मिक की तरफ दुनिया चलने लगी। आप देखते होंगे दुनिया के आध्यात्मिक भौतिक देश के लोग आध्यात्मिक देश भारत के अंदर आते हैं, क्योंकि सुख और शांति अगर कहीं मिल सकती है तो आध्यात्मिक रूप से भारत के अंदर मिल सकती है, हमारे संतों के द्वारा ही मिल सकती है। इसीलिए हम इस वेद विज्ञान और वेद ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और पानीपत की धरती से आप सबके सहयोग से आज नए विद्यालय का भवन बना है, ज्ञानेश्वर भगवान का मंदिर भी के भी आज बना है। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, विशेष रूप से जिनके प्रयासों से आज हम यहाँ पर आए, स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज जी को मैं सशत नमन करता हूँ कि उनके कारण मुझे आज फिर से ज्ञानानंद जी महाराज जी के दर्शन करने का मौका मिला, योग ऋषि जी के दर्शन करने का मौका मिला, रमा कांत जी का दर्शन करने का मौका मिला। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर
पानीपत के अंदर ये जो विद्यालय सारे देश और दुनिया के अंदर अपनी खुशबू फैलाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।